नागपुर में कोरोना महामारी के दौर में हर कोई गरीबों के लिए दौड़ रहा है, मदद कर रहा है। वहीं नागपुर में उपाय कोशिश एक बेहतर कल की इस एनजीओ ने अब तक हजारों गरीबों को राशन किट बांटी है, साथ ही उनका यह कार्य यूं ही जारी है। कोरोना महामारी के चलते शहर में पूरी तरह लॉकडाउन है। इस दौरान कई ऐसे गरीब मजदूर परिवार हैं जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, ना ही पैसे इतने हैं कि वो खरीद कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, क्योंकि सभी मजदूरी कर अपना पेट भरते थे, लेकिन सभी कामकाज बंद रहने की वजह से उनके पास पैसे है और ना ही खाने को अनाज। ऐसी संकट के घड़ी में उपाय सामाजिक संस्था गरीबों की मदद के लिए आगे आई है। लॉकडाउन के बाद से ही उपाय एनजीओ ने अब तक सैकड़ों गरीब परिवार को राशन किट बांटी है और यह कार्य यूं ही जारी है। उपाय कोशिश एक बेहतर कल की जोनल डायरेक्टर नीतू मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता भाविका जोशी, प्रिंस सिंह और संस्था के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सक्करदरा, संतरा मार्केट, वर्धमान नगर, मानकापुर, आईटी पार्क, लक्ष्मी नगर, जगदीश नगर परिसर में राशन किट बांटी। इस राशन किट में 5 किलो गेहूं का आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, मिर्ची पैकेट, 1 लीटर तेल गरीबों को दिया जा रहा है। उपाय एनजीओ द्वारा अब तक 5,000 से भी अधिक राशन किट नागपुर में बांटी जा चुकी है और यह समाज कार्य ऐसे ही जारी है। इस कार्य में आरएसएस कार्यकर्ता साथ ही नाग फेम चैरिटेबल ट्रस्ट का भी सहकार्य मिला है। एकता गहरवार की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज, नागपुर।